Hey, what's going on internet? This is Vivek from Tech with VP. आप देख रहे हो Realm video series for Android. So currently we are in the section 2 which is installation. आज की इस वीडियो में हम installation देखने वाले हैं कि Realm को आप कैसे use कर सकते हो अपने Android projects में. So first कुछ prerequisites है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है to use Realm database. फर्स्ट है एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन 1.5.1 और हायर होना चाहिए अगर आप रियलम डेटाबेस को यूज करना चाहते हो तो. सेकंड थिंग जेडीके वर्जन 7.0 और हायर होना चाहिए, इससे नीचे के वर्जन में शायद ही आपको नहीं रन करने देगा. थर्ड वन इज अ रिसेंट वर्जन ऑफ द एंड्रॉइड एसडीके, मतलब कोई भी लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आप यूज कर लो. देन है न्यू इन रियलम वर्जन 7.0, एंड्रॉइड एपीआई लेवल 16 और हायर, मतलब आप अगर आप Realm 7 को यूज कर रहे हो जो Realm का 7th वर्जन है तो उसमें आपको Android API लेवल 16 और उससे हायर यूज करना पड़ेगा, विच विल बी Android 4.1 और उससे ऊपर. यहाँ पे एक नॉट है, Realm डज नॉट सपोर्ट जावा आउटसाइड ऑफ Android. वी डू नॉट सपोर्ट एक्लिप्स एज एन IDE, प्लीज माइग्रेट टू Android स्टूडियो. मतलब अगर आप Realm का यूज करना चाहते हो अपनी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में और एंड्रॉइड ऐप में तो कंपलसरी है कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना होगा, एक्लिप्स ये सपोर्ट नहीं करता. दूसरे अदर आईडीज के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है. सो इसमें एक और चीज लिखी है, सपोर्ट जावा डज नॉट सपोर्ट जावा आउटसाइड ऑफ एंड्रॉइड, मतलब आपको कोर जावा में Realm का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा. सो हम इंस्टॉलेशन को थोड़ी थियरी है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो हम थोड़ी थियरी देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा अगर आपको Realm यूज करना है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी एड द क्लास पाथ डिपेंडेंसी टू द प्रोजेक्ट लेवल build.gradle फाइल. अगर आप 7.0.0 बेटा यूज कर रहे हो तो आपको ये डिपेंडेंसीज एड करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें स्टेबल रिलीज को यूज करने वाला है. सो फॉर यूजिंग द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज वी विल यूज क्लास पाथ io.realm Realm Gradle plugin 6.0.2 जो हमारी स्टेबल रिलीज है, हम हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें यही यूज करने वाले हैं. टू फॉलो अलॉन्ग बी श्योर टू बी ऑन द प्रोजेक्ट्स व्यू इन द टॉप लेफ्ट पैनल, क्लिक द ड्रॉप डाउन इन टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो एंड सिलेक्ट प्रोजेक्ट. जो लेफ्ट साइड में आपका जो ये प्रोजेक्ट विंडो आता है उसमें बाई डिफॉल्ट एंड्रॉइड सिलेक्ट हुआ आता है, आपको वहां पे जाके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है. सो ये उसकी इमेज है. Then on the project view you can find the project level builder gradle file here. So आपको ये जो dependency है यहाँ पे arrow मैंने दिखाया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको वो class पर dependency, मतलब कि ये वाली जो dependency है वो वहाँ पे add करनी है. Then आता है on the और हाँ next आता है step 2, apply the Realm Android plugin near the top of the application level build.gradle file. तो जो आपकी app level की जो build.gradle file आती है उसमें आपको apply प्लगइन Realm Android आपको यूज करना रहेगा. ये सारी चीज हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा थियरी का मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ. सो अब आते हैं प्रैक्टिकल पे. सो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. तो यहाँ पे हम Realm की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वहां पे आ गया हूँ, realm.io/docs. तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जो उसका डेटाबेस है Realm डेटाबेस, वो कितनी लैंग्वेजेस में और उसका डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है वो दिखा रहा है. हम यहाँ पे जावा का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो कोटलिन, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, जावास्क्रिप्ट और .NET में भी अवेलेबल है. सो आप देख सकते हो कि Realm कितनी मैंने जैसे आपको फीचर में बताया था जो अपना Realm है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है. सो यहाँ पे भी आप आके पूरा चीज रिफर कर सकते हो. सो यहाँ से हम डिपेंडेंसीज के बारे में देखने वाले हैं. सो मैं यहाँ पे जावा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ. सो जो चीज अभी आपने पीपीटी में देखी वही चीज मैंने यहाँ से कॉपी करी थी. सो हमने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट कर लिया है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट को. स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट गाइस, मैं ये थोड़ा फटाफट से कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. तो गाइस जो हमारा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है वो भी रेडी हो चुका है, तो हम जल्दी से जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट चीज मैंने बोली थी कि आपको
जो आपका प्रोजेक्ट पैनल है वहां पे जाना है, ये वाला जो प्रोजेक्ट पैनल है वहां पे, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड से जाके सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। तो ये हमने प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। देन उसमें फर्स्ट चीज क्या लिखी थी कि जो प्रोजेक्ट लेवल की build.gradle फाइल है उसमें आपको आपकी जो क्लास पाथ डिपेंडेंसीज है वो ऐड करनी है। सो यहाँ से मैं क्लास पाथ डिपेंडेंसीज को कॉपी करता हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करनी है। तो ये फर्स्ट चीज हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये 6.0.2 जो हमारी स्टेबल रिलीज है। तो यहाँ से क्लिक करना है सिंक नाउ। गाइस आपको थोड़ा वेट करना है, ये जो डिपेंडेंसीज होती है उसको डाउनलोड करता है। ओके, तो ये जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो चुकी है। तो नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है कि हमारा जो ऐप है, ऐप लेवल की build.gradle फाइल है, वहां पे जाके हमें अप्लाई करना है प्लगइन RealAmp Android। सो उसके लिए हमें इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, देन ऐप लेवल पे जाना है। यहाँ पे जो build.gradle फाइल है यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन पे इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तो ये भी इंस्टॉल हो, यहाँ पे डिपेंडेंसी अप्लाई हो चुकी है। सो गाइज अगर हमें RealAmp यूज करना है तो ये सारे स्टेप आपको पहले फॉलो करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो RealAmp है उसका इंस्टॉलेशन फिनिश होता है। इसे भी इंस्टॉलेशन तो नहीं कह सकते लेकिन काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन। सो ऐसे आप RealAmp को अपनी ये एंड्रॉइड ऐप में यूज कर सकते हो। तो मैं फटाफट से आपको एक बार रिकैप दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया। जब आप एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको यहाँ तक का दिखेगा। फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टैब है लेफ्ट साइड पे, वहां पे जाना है। यहाँ से एंड्रॉइड से आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन फर्स्ट चीज आपको करनी है प्रोजेक्ट लेवल की जो build.gradle फाइल है यहाँ पे आपको RealAmp की जो क्लास पाथ डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। सिंक नाउ पे क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, ऐप लेवल की build.gradle फाइल है वहां पे जाके ये जो प्लगइन है उसको अप्लाई करना है और फिर से आपको यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो RealAmp है वो रेडी हो जाएगा एंड्रॉइड में यूज करने के लिए। सो हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी खत्म हो गया है, हमने इंस्टॉलेशन डन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रिएट ऑपरेशन, मतलब आपका जो टेबल है या मॉडल है, हम टेबल तो नहीं बोल सकते बिकॉज हमने बताया था कि जो RealAmp है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस है। तो आप एक आपका RealAmp ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो उसकी हम थियरी और प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो में पूरी चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो सीरीज को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.